आज के फनकार। रेडियो सखी ममता सिंह की ओर से आप सभी को नमस्कार। लेकर हाजिर हूँ कार्यक्रम आज के फनकार। आज की फनकार एक ऐसी खूबसूरत अदाकारा जिनकी खूबसूरती के दर्शक दीवाने थे। एक लड़की भीगी भागी सी, होती रातों में जागी सी, मिली एक अजनबी से कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। वो अदाकारा जो अपनी कटीली आंखों से अभिनय करती थी, जिनके होठ बिना संवाद के भी बोलते थे। एक परदेसी मेरा दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा हम दे गया। हाँ, एक परदेसी मेरा दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा हम दे गया। कौन परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। ओए कौन परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। कच्चे नारियल से दूधिया मासूमियत थी उनके चेहरे पर। अच्छा जी मैं हारी चलूं मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। अच्छा जी मैं हारी चलूं मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जला। हुस्न की मल्लिका बेहतरीन अभिनेत्री मधुबाला हैं हमारी आज की फनकार। फिल्मी दुनिया में मधुबाला के नाम से मशहूर उनका असली नाम था मुमताज जहां बेगम देहलवी। इनका जन्म 14 फरवरी 1933 को दिल्ली के मध्यम वर्गीय मुस्लिम परिवार में हुआ था। 11 भाई बहनों में मुमताज जहां बेगम देहलवी अपने माता पिता की पांचवी संतान थीं। उनके पिता अताउल्लाह खां दिल्ली में एक कोचमैन के रूप में कार्यरत थे। मधुबाला के जन्म के कुछ समय बाद ही उनका परिवार दिल्ली से मुंबई आ गया। चुप चाप यूं ही दिल
बचपन से ही मधुबाला को अभिनय का शौक था। वे बहुत कम उम्र में ही कुशल अभिनेत्री बनने का सपना देखने लगी थीं और उनके सपनों को परवाज मिला 1942 में। फिल्म बसंत में बेबी मुमताज के नाम से बाल कलाकार के रूप में मधुबाला को काम करने का मौका मिला। उनके अभिनय से प्रभावित होकर हिंदी फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री देविका रानी ने बॉम्बे टॉकीज की फिल्म ज्वारभाटा में रोल करने को ऑफर किया, पर मधुबाला इत्तेफाक से उस फिल्म में काम नहीं कर सकी, लेकिन उनका नाम मधुबाला पड़ गया। आएगा आएगा आएगा, ये क्या हो गया, तेरे पीछे दिल ये दबा हो गया, जी में आता है कि तुझे देखूं भी नहीं, पर क्या करूं ये दिल जो फिदा हो गया है, क्या करूं ये दिल जो फिदा हो गया। आएगा आएगा आएगा, ये क्या हो गया, तेरे पीछे दिल ये दबा हो गया, जी में आता है कि तुझे देखूं भी नहीं, पर क्या करूं ये दिल जो फिदा हो गया है, क्या करूं ये दिल जो फिदा हो गया। आएगा आएगा आएगा, ये क्या हो गया। मधुबाला को प्रमुख और उत्कृष्ट भूमिका निभाने का पहला मौका केदार शर्मा ने दिया। फिल्म थी 1947 की नीलकमल। इस फिल्म में उन्हें राज कपूर के साथ अभिनय करने का मौका मिला। इस फिल्म में मधुबाला के अभिनय की खूब सराहना हुई और वे कहलाई सिनेमा की सौंदर्य देवी। फिलहाल सुनिए बरसात की रात फिल्म का ये गाना। नीलकमल के बाद मधुबाला पर्दे पर सन 1949 में आई बॉम्बे टॉकीज की फिल्म महल में। इस फिल्म की सफलता ने मधुबाला के लिए मंजिल तक पहुंचने के कई रास्ते बना दिए। महल फिल्म का ये गाना खूब मकबूल हुआ। लता मंगेशकर की आवाज। बगैर कैसे मरवाने जल्दी
दोस्तों, मधुबाला का करियर चमकते सितारे की तरह जगमगाने लगा। अशोक कुमार, रहमान, दिलीप कुमार, देवानंद, सुनील दत्त वगैरह सभी दिग्गज कलाकारों के साथ उन्हें अभिनय का मौका मिला। उस दौर में कामिनी कौशल, सुरैया, गीता बाली, नलिनी जयवंत, श्यामा और निम्मी जैसी स्थापित नायिकाओं के बीच मधुबाला ने अपनी खास जगह बनाई। नामचीन निर्देशकों की फिल्मों में उन्हें अभिनय का मौका मिला। महबूब खान की फिल्म अमर में अपनी अदाओं से उन्होंने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। तेरे सदके बलम न कर कोई गम, ये समाए जहां फिर कहां। हो तेरे सदके बलम न कर कोई गम, ये समाए जहां फिर कहां। ये समाए जहां फिर कहां, सदके बलम न कर कोई गम, ये समाए जहां फिर कहां। के बाद कमाल अमरोही की फिल्म महल और के आसिफ की 1960 में आई कालजयी फिल्म मुगले आजम में अनारकली की भूमिका अमर हो गई। इस फिल्म में मधुबाला के अभिनय की प्रशंसा आज तक की जाती है। अपनी कातिल अदाओं से मधुबाला ने दर्शकों को दीवाना बना दिया। पचास के दशक में उनकी कुछ फिल्में नाकामयाब रहीं। इस पर लोगों ने मधुबाला के अभिनय प्रतिभा पर प्रश्न चिन्ह भी लगाया और ये इल्जाम भी कि उनकी खूबसूरती ही फिल्में हिट होने का पैमाना है, जबकि सच्चाई ये थी कि उस दौर में फिल्मों का चुनाव सही नहीं हो पाया था। मधुबाला के परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर थी, अतः उनके पिता हर फिल्म साइन करने का आग्रह करते, जबकि कुछ फिल्में उनके अभिनय के मुताबिक नहीं होती थी। पर फिर भी मधुबाला कभी हिम्मत नहीं हारी। चांद रात तुम हो साथ, क्या करें अजी अब तो दिल मचल मचल गया। चांद रात तुम हो साथ, क्या करें अजी अब तो दिल मचल मचल गया। दिल का एतबार क्या, क्या करोगे जी कल जो ये बदल बदल गया। दिल का एतबार क्या, क्या करोगे जी कल जो ये बदल बदल। सन 1958 में मधुबाला ने अपने अभिनय कौशल का लोहा मनवाया। इसी बरस आई उनकी चार फिल्में सुपरहिट हुई, फागुन, काला पानी, हावड़ा ब्रिज और चलती का नाम गाड़ी। इस फिल्म में अपने कॉमिक अभिनय से मधुबाला ने दर्शकों को हंसा हंसा कर लोटपोट कर दिया था। हरफन मौला किशोर कुमार और मधुबाला की जोड़ी खूब चली। बाद में वे उनके जीवन साथी भी बने। साथ में की गई उनकी कुछ फिल्में हैं ढाके की मलमल, चलती का नाम गाड़ी, हाफ टिकट, महलों के ख्वाब और झुमरू। झुमर 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 झुमे दिल मेरा दिल मेरा, झुमर 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 झुमे दिल मेरा दिल मेरा। पतली कमर तिरछी नजर बाहर क्या कहना तेरा। झुमर 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 झुमे दिल मेरा दिल मेरा। ए पतली कमर तिरछी नजर बाहर क्या कहना तेरा। झुमर 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 झुमे ढिंग पटा पट ढिंगड़ी पकाओ। राज कपूर के साथ मधुबाला नजर आई फिल्म दिल की रानी, नीलकमल, अमर प्रेम और दो उस्ताद में। नजरों के तीर मारे कस कस कस, एक नहीं दो
नहीं आठ नौ दस, नजरों के तीर मारे कस कस कस, एक नहीं दो नहीं आठ नौ दस। हाँ सैया मैं तो हार गई, बस बस बस, ओ बस बस बस। हाँ नजरों के तीर मारे कस कस कस। आइए दोस्तों अब एक नजर मधुबाला की कुछ बेहतरीन गानों पर। ये फिल्म है इंसान जाग उठा। चांद सा मुखड़ा क्यों शर्माया, चांद सा मुखड़ा क्यों शर्माया, आँख मिली और दिल घबराया, चांद सा मुखड़ा क्यों शर्माया, आँख मिली और दिल घबराया, चांद सा मुखड़ा क्यों शर्माया। फिल्म दुलारी। ऐ दिल तुझे कसम है, ऐ दिल तुझे कसम है, तू हिम्मत न हारना, दिन जिंदगी के जैसे भी गुजरे गुजारना, ऐ दिल तुझे कसम। फिल्म गेटवे ऑफ इंडिया। तो घड़ी वो जो पास आ बैठे, तो घड़ी वो जो पास आ बैठे, पास आ बैठे। भूल की उनका हम नशी होके, रोएंगे दिल को उम्र भर खोके, भूल की उनका हम नशी होके, रोएंगे दिल को उम्र भर खोके, हाय क्या चीज थी लुटा बैठे, दो घड़ी हो जो पास आ बैठे। एक दिल ही था गम गुसार अपना, मेहरबान खास राजदार अपना, एक दिल ही था गम गुसार अपना, मेहरबान खास राजदार अपना, गैर का क्यों उसे बना बैठे, तो घड़ी हो जो पास आ बैठे, हम जमाने से दूर जा बैठे, तो घड़ी हो जो पास। ये फिल्म है राज हट। मेरे सपने में आना रे सजना, मेरे सपने में आना रे, सौगात जरा मेरे कानों में फिर से कहना रे, मेरे सपने में आना रे सजना, मेरे सपने में आना रे। Thank you.
फिल्म शीरी फरहाद। फिल्म एक साल। कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया, दिन में अगर चराग जलाए तो क्या किया। सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया। फिल्म मुगले आजम में मधुबाला के साथ थे शहंशाह आलम दिलीप कुमार। सन 1960 में आई के आसिफ की इस फिल्म के लिए मधुबाला को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नामांकन हुआ था। सुबह होने से पहले बेहोशी की दवा में बसा हुआ ये फूल तुझे सलीम को सुंघाना होगा, ताकि वो तेरी मौत से नाशना हो जाए, तुझे भूल जाए और हमारे पहरेदार तुझे बेहोश आशिक के पहलू से उठाकर मौत की आगोश में गुम कर दे। मौत मोहब्बत से करीब हो गई, ऐसा ही होगा। अगर ऐसा न हुआ तो सलीम तुझे मरने नहीं देगा और हम अनारकली तुझे जीने नहीं देंगे। कनीज तो कब की मर चुकी। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। प्यार किया कोई चोरी नहीं की, प्यार किया, प्यार किया कोई चोरी नहीं की। छुप छुप आहे भरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। फरवरी सन 1969 को मधुबाला ने इस फानी दुनिया से अलविदा कह दिया। मौत वही जो दुनिया देखे, मौत वही जो दुनिया देखे। खुद खुद कर यूं मरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना। इश्क़
आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था जानी मानी अदाकारा मधुबाला पर। शोध, आलेख और स्वर आपकी रेडियो सखी ममता सिंह का, संपादन आकांक्षा सिंह का, इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। आज के फनकार।